वेलकम बैक एवरीवन, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। यार ये शीहल का एपिसोड इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, बट एनीवेज आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि शीहल एपिसोड 3 में क्या क्या हुआ। अब अबॉमिनेशन की लीक्ड वीडियो देखने के बाद जेनिफर जाती है एमिल के पास। एमिल बताता है कि देखो उसे एक मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स द सॉर्सरर सुप्रीम वोंग ने उसे बाहर निकाला जेल के, लेकिन बाद में वोंग ने चॉइस भी दी थी कि अगर तुम्हें जेल में जाना है तो तुम फिर से जा सकते हो, नहीं तो तुम फ्री भी हो सकते हो। लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की डिसाइड करता है कि वो जाएगा फिर से जेल में। कितना सच्चा आदमी है ना। इसके बाद जेनिफर अपने असिस्टेंट से कहती है देखो वोंग को कॉन्टेक्ट करो, उसे गवाही देने के लिए बुलाओ। इसी बीच शीहल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करके अपने से बात करती है और अपने को बताती है कि देखो ये शो ऐसा नहीं होने वाला जिसमें हर एपिसोड में कोई ना कोई कैमियो होने वाला है, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि इस एपिसोड में अपने को पता है कि वोंग का कैमियो होने वाला है। अगले एपिसोड में शायद डेयरडेविल आ जाए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस पहुंचने के बाद जेनिफर को मिलता है डेनिस, हाँ वही आदमी जो अपन ने एपिसोड 1 में देखा था। अब इन भाई साहब के साथ बड़ी अजीब घटना हुई है। इनका कहना है कि वो मीगन स्टैलियन को डेट कर रहे थे। अगर तुम्हें मीगन स्टैलियन नहीं पता तो ये एक अमेरिकन रैपर है, काफी फेमस गाने हैं इनके, और लगभग $175,000 इस बंदे ने मीगन स्टैलियन पे खर्च कर दिए। बाद में इस बंदे को पता चलता है कि वो तो नकली थी, वो एक शेप शिफ्टर थी, मतलब वो एक रूप बदलने वाली एस्गार्डियन थी। तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है इस बंदे के साथ, इसीलिए ये केस करने आया है। सीरियसली जब मैंने सुना कि कोई शेप शिफ्टर है तो मुझे लगा कि स्क्रल्स तो नहीं, लेकिन तब याद आया कि ये सीक्रेट इन्वेजन नहीं है, ये शीहल के। लेकिन इसी बीच कमरताज के सबसे महान जादूगर वोंग आ जाता है। जेनिफर और वोंग की थोड़ी बातचीत होती है। वोंग यहाँ पे बताता है कि एमिल ब्लॉन्स्की को वही जेल से उठा के लेके गए क्योंकि उसको चाहिए था एक वर्दी अपोनेंट ताकि वो अपनी सॉर्सरर सुप्रीम स्किल्स टेस्ट कर पाए। जेनिफर कहती है ठीक है तुम्हारे जो भी कारण है तुम्हें इस केस में गवाही देने आना पड़ेगा। अब एक चीज मैंने नोटिस की कि इस एपिसोड में कोर्ट रूम ड्रामा काफी अच्छा खासा था और सोशल मीडिया पे अबॉमिनेशन और शीहल्क का जो बज क्रिएट हुआ है उसको काफी अच्छी तरह दिखाया है मार्वल ने। मतलब कुछ लोग तो भाई सीधा अबॉमिनेशन और शीहल्क के बच्चे की न्यूज फैला रहे थे, लेकिन जेनिफर को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद सारे जजेस जेल में आ जाते एमिल ब्लॉन्स्की के केस के लिए। सारे गवाह देने वाले अपनी गवाही दे देते, लेकिन एक आदमी बचता है वोंग। ये भाई साहब लेट एंट्री मारते और बताते हैं जजेस को कि देखो एमिल ब्लॉन्स्की को वही जेल से उठा के लेके गया था, उसको कोई सजा मत दो, उसको फ्री कर दो जेल से। जजेस इसके बाद डिसाइड करते कि एमिल ब्लॉन्स्की को वो फ्री कर देंगे, लेकिन मिस्टर वोंग ने क्राइम किया है तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन वोंग यहाँ पे कहता है मिस्टर वोंग नहीं, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स द सॉर्सरर सुप्रीम कमरताज के लाइब्रेरियन वोंग हूँ मैं और मुझे चाहिए इज्जत। अब ये कह के वोंग चला जाता है, बाकी उसकी सजा का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो जेनिफर तो एक केस जीत गई, लेकिन इसके बाद वो जाती है गवाही देने डेनिस वाले केस में और उसकी गवाही सुनने के बाद जजेस डिसाइड करते कि हाँ डेनिस के साथ धोखा हुआ है और वो जो शेप शिफ्टर है रूना, वही नाम है ना उसका, वो केस हार जाती है। बाद में अपने को जो असली मीगन स्टैलियन है उसका छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है। अब ये सब कोर्ट कचेरी के बाद शीहल घर पे जा रही होती है, लेकिन चार लोग उसका ब्लड सैंपल चुराने आते हैं। देन इसके बाद होना क्या था, शीहल इन चारों की कुटाई कर देती है और ये चारों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये फाइट देखने में काफी अजीब लगती है क्योंकि शीहल का VFX यहाँ पे इनकम्प्लीट लगता है। वैसे ये तो एपिसोड 1 से ही लग रहा है, बट अब लगता है कि इसी VFX से काम चलाना पड़ेगा और एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। लेकिन रुको यार, मिड क्रेडिट सीन में अपन देखते कि शीहल्क और मीगन स्टैलियन ट्वर्क कर रहे हैं और सच में मेरे को शीहल की ट्वर्किंग भी अजीब लग रही थी क्योंकि यहाँ पे VFX इनकम्प्लीट लग रहा था। अगर तुम्हें शीहल का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें शीहल का डांस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।